Hi guys, in this video we are going to create a B-tree, okay? And in the last video I have discussed all the properties of B-tree. So let's start. See, suppose we have one question, that is create a B-tree of order 3 by inserting values from 1 to 10. Aapko values insert karni hai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And order kya hoga tree ka aapka? 3. ऑर्डर अगर 3 है तो m की वैल्यू वुड बी 3. ओके, नाउ सी, m वैल्यू इज 3, तो मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं फॉर एवरी नोड? 3. एंड मैक्सिमम की कितनी हो सकती है? m माइनस 1, दैट इज 2. ये आपको याद रखना है. दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ दैट बी ट्री. नाउ सी, नाउ स्टार्ट करते हैं इंसर्ट करना. वी हैव दिस नोड. इसमें कितनी वैल्यूज हो सकती हैं अपने पास? मैक्सिमम की कितनी हो सकती है फॉर एवरी नोड? एम माइनस वन. ये आपको प्रॉपर्टीज से पता चल, जो प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी. दैट इज 3 माइनस 1, दैट इज 2. तो मैक्सिमम कीज वुड बी 2. 1 एंड 2, की 1 एंड की 2. नाउ 1 सबसे पहले इंसर्ट होगा, आफ्टर दैट 2 would be inserted. Okay, and see one more point, these values are always inserted in sorted order. ऐसा नहीं होगा कि 2 आपने 1 से पहले insert कर दिया, because this key 1 key 2 है, तो key 1 would be less than key 2. अगर यहाँ पे key 3 होगा then key 2 would be less than key 3 and greater than this key 2. Okay, now see, next is 3. You are supposed to insert 3. But if you insert 3, in that case, the value, how many keys are there in this node? 3 keys. But maximum key kitni ho sakti hai? 2. So that is overflow condition. Now you have to split it. Ab usme split kaise hoga? See, always jab node split hota hai, that is wo kahan se hota hai aapka median part. Or you can say the middle element. Middle element calculate hoga pehle kahan pe hai. And that middle element would go one level up from this node. One level up. Okay, not down. Hamesha B tree grow karega upwards. Because leaf node hamesha kya honge? At the same level. Okay. Now, ab aisa nahi hoga ki 1, 2, yahan pe 3 insert kiye bina hi aapne yahan ka middle element find out kar liya. Suppose 1 ya 2 ki kahin se bhi aapne usko median element calculate karke usko upar bhej diya. No. 3 ko aap कंसीडर करोगे, उसके बाद ही आप इसको इसका मिडिल एलिमेंट कैलकुलेट करोगे. नाउ द मिडिल और द मीडियन एलिमेंट वुड बी 2. नाउ दिस 2 वुड बी वन लेवल अप. सो आपका ट्री क्या बन जाएगा? 2. 2 के लेफ्ट साइड में क्या होगा आपका? 1, बिकॉज 1 इज लेस देन 2. ओके, इट इज सी बीएसटी, बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ बीएसटी. तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, यहाँ पे जो रूट होगा उसके लेफ्ट साइड में वैल्यू वुड बी ऑलवेज इधर लेस देन और इक्वल टू दिस वन, एंड राइट साइड में वैल्यू वुड बी इधर इक्वल टू और ग्रेटर देन द रूट नोड. ओके, नाउ 2 के राइट साइड में क्या होगा आपका? 3. 2 हैं ये बॉक्सेस, बिकॉज मैक्सिमम की कितनी इंसर्ट हो सकती है? 2. नाउ द नेक्स्ट की आपको जो इंसर्ट करनी है, दैट इज 3 तक इंसर्ट हो गया. नेक्स्ट इज 4. रूट पे गए. सी, इंसर्ट हमेशा कहाँ से होगा? लीफ नोड से. बट देखेंगे हम कहाँ से? रूट नोड से. 4 इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे जाएंगे. बट आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं करोगे. ऑल दो दिस प्लेस इज एम्प्टी, यू कैन इंसर्ट, बट हम इंसर्ट इसमें नहीं कर सकते, बिकॉज वैल्यू कहाँ पे इंसर्ट होती है? हमेशा लीफ नोड में. सो इसके राइट पार्ट में नीचे जाएंगे, दैट इज 3. 3 से भी बड़ा है 4, तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज इट इज लीफ नोड, इसके नीचे कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे आपका 4 इंसर्ट हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू इज 5. अब 5 अगर इंसर्ट करनी हुई तो वो यहाँ पे इंसर्ट होगी, बिकॉज 2 से ऑलवेज 5 इज ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे गए. 3 से ग्रेटर देन 4, तो 5 आपकी कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी. बट मैक्सिमम कीज कैन बी 2, एंड हेयर वी हैव 3 कीज. सो दिस नोड वुड बी, वी हैव टू स्प्लिट इट. स्प्लिट कैसे होगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियल जो मीडियन एलिमेंट है वो फाइंड आउट होगा, एंड देन मीडियन एलिमेंट और मिडल एलिमेंट वुड गो टू वन लेवल अप, और यू कैन से द टू द पेरेंट ऑफ दिस नोड, अगर पेरेंट इसका है ये तो फोर कहाँ पे चला गया आपका, यहाँ पे जाएगा. ओके नाउ सी ट्री क्या बन जाएगा आपका, टू देन फोर, हेयर वी हैव वन, सी एंड थ्री कहाँ पे आएगा आपका, आफ्टर टू बट टू द लेफ्ट ऑफ फोर, यहाँ पे आ गया आपका थ्री, और फाइव कहाँ पे जाएगा आपका, राइट ऑफ फोर, बिकॉज फाइव इज ग्रेटर देन फोर तो इसके राइट में जाएगा, एंड फोर थ्री आपके क्या रहेगा, फोर के लेफ्ट में रहेगा, बिकॉज ये फोर से लेस देन है बट टू से ग्रेटर देन है, तो ये टू के राइट में आएगा, फोर के लेफ्ट में आएगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट एज सिक्स, यहाँ पे गए सिक्स इज ग्रेटर देन टू एंड फोर. ओके सो ये इसके राइट साइड में जाएगा, यहाँ पे अपने पास है वी हैव लीफ नोड, वन पोजिशन इज देयर दैट इज वैकेंट, तो यहाँ पे सिक्स इंसर्ट हो जाएगा. आफ्टर दैट सेवन, सेवन कहाँ इंसर्ट होना चाहिए, वैसे यहाँ होना चाहिए बट वी कैन नॉट इंसर्ट इट हेयर बिकॉज मैक्सिमम की कितनी हो सकती है, टू. नाउ अगेन दिस नोड वुड बी स्प्लिटेड, स्प्लिट कहाँ से होगा, मीडियन एलिमेंट दैट इज सिक्स, सिक्स कहाँ पे जाएगा, वन लेवल अप दैट इज टू द पेरेंट. अब सिक्स अगर यहाँ पे गया, ओके सो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी फुल है, टू की हो सकती हैं और यहाँ पे क्या हो गया सिक्स, तो अगेन स्प्लिटिंग वुड बी अप्लाइड टू दिस पेरेंट ऑफ दिस वन, और यू कैन से द रूट वन, यहाँ पे स्प्लिट अप्लाई होगा, विल फाइंड आउट द मीडियन एलिमेंट, मीडियन एलिमेंट का क्या है इसका फोर, एंड फोर वुड गो टू इट्स पेरेंट, पेरेंट इसका कुछ है नहीं तो ये आपका वन लेवल अप, मतलब ये दूसरा आपका रूट बन जाएगा. ओके अब नेक्स्ट ट्री क्या बन जाएगा अपना, ट्री वुड बी फोर, यहाँ से स्प्लिट हो गया फोर, फोर क्या होगा, फोर के लेफ्ट में क्या होगा टू, फोर के राइट में क्या होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सिक्स. ओके नाउ सी टू के लेफ्ट में क्या है अपने पास, वन, टू के राइट में व्हाट यू हैव इज थ्री. ओके एंड आपकी फाइव सिक्स आपका ऊपर चला गया, सिक्स यहाँ, तो फाइव कहाँ पे आएगा आपका, लेफ्ट ऑफ सिक्स बिकॉज इट इज लेस देन सिक्स. सेवन इंसर्ट करना था, सेवन आपका कहाँ जाएगा, यहाँ पे राइट ऑफ दिस वन. ओके नाउ सी नाउ वी हैव टू इंसर्ट व्हाट एट, एट आपका कहाँ इंसर्ट होगा, रूट से फोर से ग्रेटर देन है, यहाँ पे गए सिक्स से ग्रेटर देन है बट इट इज़ नॉट लीफ नोड, वो यहाँ पे जाएगा, और एट आपका कहाँ इंसर्ट हो गया, हेयर ओनली. नाउ नेक्स्ट इज नाइन, नाइन फोर से ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन नाइन सिक्स है लेकिन यहाँ इंसर्ट हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑलवेज इट वुड बी इंसर्टेड इन द लीफ नोड, तो यहाँ पे आपका एट के बाद नाइन, बट ओवरफ्लो कंडीशन आपके पास आ गई यहाँ पे, तो स्प्लिटिंग क्या होगी, एट आपका कहाँ जाएगा अभी, ऊपर, एट आपका चला गया यहाँ पे. ओके एंड एट का लेफ्ट पार्ट वुड बी सेवन, एंड एट के राइट में क्या होगा आपका नाइन. ओके एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज टेन, तो टेन आपका कहाँ पे, सी ऑलवेज हमेशा ये कहाँ पे होगा आपका, लीफ नोड में इंसर्ट होगा, तो टेन वुड बी इंसर्टेड हेयर. सो दिस इज द बी ट्री ऑफ यू नो ऑर्डर थ्री, एंड द वैल्यूज जो हमने इंसर्ट की हैं दैट आर फ्रॉम वन टू टेन. ओके इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल to create a you know B tree, probably will take order 4 and 5 and values from 1 to 20 or any random values, or we can take some alphabetic value ABCD and all. So in next video we will see that. Till then, bye bye, take care.